एसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण, आज आप लोग यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके राजस्थान प्रदेश की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सब समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सब समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत है। और इस मामले में मैं खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आज़ादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में रही आसीन कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की दी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है, और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके राजस्थान प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है।
और इससे पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और यह मैं खास तौर से आप लोगों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि अंग्रेजों के जाने के बाद वह देश आजाद होने के बाद तो केंद्र और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है और कांग्रेस पार्टी ने लंबे अरसे तक सत्ता में रहकर ना तो केंद्र स्तर पर और ना ही राज्यों स्तर पर तो कांग्रेस पार्टी ने खासकर दलितों आदिवासियों व पिछड़े वर्गों के हितों का पूरा ध्यान नहीं रखा। आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब आजाद भारत में पहली केंद्र की सरकार बनी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस सरकार में लॉ मिनिस्टर थे, कानून मंत्री थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कांग्रेस को ये कहा कि मैंने भारतीय संविधान में अपने लोगों को, खास तौर से वीकर सेक्शन के लोगों को कानूनी अधिकार तो दिला दिए हैं, लेकिन उन्हें उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, एससी एसटी वर्गों के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और अति पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए जो मैंने भारतीय संविधान में व्यवस्था की है उसके तहत इनको भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बार बार कहने के बावजूद भी उस समय केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को नहीं माना। तो तब फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुखी होकर अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अपने लोगों को ये कहा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि यदि आप लोग मान सम्मान की जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं और जो भारतीय संविधान में आपको कानूनी अधिकार दिए हैं उनका पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को कांग्रेस पार्टी के चक्कर में और इनकी जो अन्य चाचा भतीजों की पार्टियां हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि आप लोगों को संगठित होकर अपनी पार्टी बनाकर, खुद पार्टी बनाकर केंद्र और राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेंगे और उसके जरिए फिर आप लोग कानूनों का पूरा लाभ, कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ अपने लोगों को दे सकते हैं। उसी सोच और धारणा के तहत ही माननीय श्री कांशीराम जी ने फिर बीएसपी का गठन किया और इतना ही नहीं, यहाँ मैं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी के रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार और कसूरवार भी है। हमारे लोगों ने कांग्रेस से बहुत आग्रह किया लेकिन कांग्रेस ने आप लोगों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि देना उचित नहीं समझा। तब जाकर बीएसपी के अथक प्रयासों से श्री बीपी सिंह की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में नहीं, श्री बीपी सिंह की सरकार में बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। इससे इन वर्गों के प्रति, खासकर कांग्रेस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है।
जिस कांग्रेस पार्टी ने फिर इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके आदर सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश की लोकसभा से राज्य विधानसभाओं में केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है और तो उसमें एससी एसटी और ओबीसी वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। जो वीकर सेक्शन की महिलाएं हैं उससे इनको कोई ज्यादा लाभ इस बिल से मिलने वाला नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है और ये सब हमें यहाँ आपके राजस्थान प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश से ही पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब मजदूर किसान कर्मचारी छोटे व्यापारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सबकी मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके राजस्थान प्रदेश में भी यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धरना सेठों का विकास होने के बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए, तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी बेरोजगारी महंगाई व अन्य और भी सभी समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा पा सकती है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना राजस्थान प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है और ये सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने राजस्थान प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के ही हाथों में आने को मानकर चलती है और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही है और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक
एवं अन्य सभी नीतियाँ यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियाँ तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियाँ केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यह सत्ता में आती रही है, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर या केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर खुशहाल बना सके, और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में, जो आपका पड़ोसी राज्य है, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में चार बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है, और हमने अपने सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनकी वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है, जिससे वहां लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुंचा है। इतना ही नहीं बल्कि हमने उत्तर प्रदेश में जो गरीब आवासहीन लोग हैं, जिनके अपने रहने के लिए पक्के मकान नहीं थे, तो हमारी पार्टी की सरकार ने वहां सरकारी खर्चे से दो दो कमरों के पक्के मकान भी बना कर दिए। खासकर भरतपुर के लोगों को मालूम होगा, क्योंकि आपके रिश्ते नाते आगरे में है, आगरे के रिश्ते नाते आपके भरतपुर में भी है, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा, आपके रिश्ते नातों ने भी बताया होगा कि कितनी बड़ी तादाद में आगरे में हमने पक्के मकान अपने गरीब लोगों को बना कर दिए थे। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म, जाति आदि भी नहीं होने दी है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ अपने यहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासनकाल के दौरान वह हर मामले में वह हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में आम जनहित के वह खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही अपने राजस्थान प्रदेश में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपने खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी हो, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी, यहाँ की खासकर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर कांग्रेस व अन्य विरोधी पार्टियां सोशल मीडिया आदि के जरिए मेरी आवाज में काट छाट करके तथा उनके फर्जी वीडियो आदि बना के वे उन्हें जारी करके अपने पक्ष में हवा बनाने का जो घिनौना प्रयास कर रही है, और कल उन्होंने किया भी था, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है, बल्कि इससे उनकी हताशा व हार होनी निश्चित ही हमें नजर आती है। जो लोग ऐसा घिनौना कार्य कर रहे हैं तो वो हताश है काफी, और उनको लग रहा है वो हार रहे हैं, इसलिए वो इस किस्म का घिनौना कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, अर्थात हमारी पार्टी जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है। और ये सब हमने बिना घोषणा पत्र जारी किए हुए उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। और यदि आप लोगों को मालूम है, मैंने आपके जो हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको भी बताया था, आपको भी बताना चाहती हूँ कि आपको लगता होगा कि उत्तर प्रदेश में तो हमारी पार्टी अब कमजोर क्यों हो रही है। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर हमारे लोगों की वजह से नहीं हो रही है, हमारी पार्टी के जनाधार में कोई कमी नहीं आई है, और जब तक वहाँ चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा हमारी पार्टी सत्ता में भी आई, जनाधार भी बढ़ा, पार्लियामेंट और असेंबली में काफी सीटें भी जीत कर आई। लेकिन जब से चुनाव वहाँ मशीन के जरिए होना शुरू हुआ है तो मशीनों में काफी गड़बड़ी हुई, जिसके कारण हमारा पार्टी का ग्राफ नीचे गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ये सोचेंगे कि फिर वोट डालने का क्या फायदा है, तो आप लोग अपना वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि कभी कभी जो ये गड़बड़ कर रहे हैं मशीनों में, इनका सिस्टम फेल हो सकता है और आपके नुमाइंदे चुनकर आ सकते हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के मैं अपने राजस्थान प्रदेश के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा वाला सपना सही साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी या खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित किए हैं, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यह अपने प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों को अभी आपकी चुनावी जनसभा से पहले तो धौलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र के लोग बड़ी तादाद में वहाँ मुझे सुनने के लिए आए। वहाँ के लोगों से भी मैंने अपील की और आप लोगों से भी भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों से, धौलपुर व भरतपुर आसपास के क्षेत्रों से जो हमारी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं, तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन्हें जरूर कामयाब बनाएं, इन्हें जरूर जिताएं जो आपके सामने आपसे वोट की अपील भी कर रहे हैं। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी जो मुझे सुनने के लिए भी इधर आई हैं। इसके साथ ही अपनी पार्टी का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास करना है, जिसके लिए यहाँ आपकी स्टेट कमेटी व स्थानीय नेताओं के साथ साथ आपके जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं उनके अन्य और भी जो साथी हैं इनके साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री राम जी गौतम व इनके अन्य सभी साथी भी पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि श्री आकाश आनंद ने भी चुनावियां घोषित होने से पहले आपके राजस्थान प्रदेश को काफी समय दिया है। अंत में अब मैं पुनः यहाँ अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम व जय भारत। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।